2019 वर्ल्ड कप नहीं डिफेंड कर पाया भारत, फाइनल में कंगारू टीम की पूरी हुई चाहत। कहानी है क्योंकि इंडिया के बच्चे जो हैं वो भी बड़ों का बदला नहीं ले पाए। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बन गए ऑस्ट्रेलिया ही लड़ाके, टीम इंडिया को हर डिपार्टमेंट में दिए झटके। हमने फाइट भी नहीं करी, हमने ये नहीं करा कि यार थोड़ा सा सीना झपटी करे, थोड़ा दम दिखाए, पता कब होता है। एक हार 84 दिन पहले हुए उन जख्मों को ताजा करती है जो जख्म हमें बड़ों की वर्ल्ड कप मिले थे। कि जब जब संडे को मैच होता है हम लोगों को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। कंगारू बोलर्स के आगे हुए भारतीय शेर ढेर, इस बार भारत को फाइनल में लग गया बड़ा फेर। पाकिस्तानी अंडर 19 के बच्चे जैसा खेले हैं वो सीनियर टीम से बेटर खेले हैं, उनकी इज्जत आंखों में बढ़ गई। 180 पे मैच फंसा दे, एंड तक फाइट करते रहे, 9 विकेट आउट कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ ही चलते हैं। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है जिसमें भारत को बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त हुई है। आज से कुछ दिन पहले भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में भी शिकस्त हुई थी। आज बहुत बुरे तरीके से भारत को फाइनल में शिकस्त हुई है। इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की टीम खेली है लेकिन लड़के खेली है, इंडिया की टीम की तरह बहुत बुरे तरीके से नहीं आ रही। भारत पिछले 10 सालों में कोई भी ICC का इवेंट नहीं जीत सकी। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया केस के ऊपर क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। 19 वर्ल्ड कप नहीं डिफेंड कर पाया भारत, फाइनल में कंगारू टीम की पूरी हुई चाहत। अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बन गए ऑस्ट्रेलिया ही लड़ाके, टीम इंडिया को हर डिपार्टमेंट में दिए झटके। कंगारू बोलर्स के आगे हुए भारतीय शेर ढेर, इस बार भारत को फाइनल में लग गया बड़ा फेर। सबको ये उम्मीद थी कि इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के हाथों में छठी दफा आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। कंगारू टीम के आगे टीम इंडिया के लड़ाके ठहर नहीं सके और इस दफा कंगारू टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बन गई है और भारत का छठी बार खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया जो उनके लिए सही साबित हुआ। पहले बैटिंग करते हुए कंगारू टीम ने अपने 50 ओवर के कोटे में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम की तरफ से बैटिंग में हरजस सिंह ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। मिलाकर कहा जाए तो फाइनल में टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाजों ने निराश किया। बल्लेबाज रन बनाने के लिए स्ट्रगल करते दिखे और रन रेट में भी लगातार इजाफा होता रहा। कहा जाए तो वो कंगारू गेंदबाजों का सही तरीके से सामना करने में नाकाम रहे। नतीजा टीम इंडिया फाइनल की दहलीज पर पहुंची तो जरूर लेकिन कप को डिफेंड नहीं कर पाए। वो एक गाना नहीं था कि सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। वेल इंडिया की यही कहानी है क्योंकि इंडिया के बच्चे जो हैं वो भी बड़ों का बदला नहीं ले पाए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल मुकाबले में हार गई है और एक हार 84 दिन पहले हुए उन जख्मों को ताजा करती है जो जख्म हमें बड़ों की वर्ल्ड कप मिले थे। सेम पैटर्न, टीम फाइनल तक पहुंचती है, एक भी मैच नहीं हारती है लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिलती है और ऑस्ट्रेलिया हमें हरा देती है। 27 टूर्नामेंट इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया अब तक जीत चुकी है और क्रिकेट के इतिहास में वो ग्रेटेस्ट टीम है। 6 ओडीआई वर्ल्ड कप, 4 अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 1 टी20 वर्ल्ड कप और 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब तकलीफ इंडिया को बहुत है क्योंकि यार हम क्या चोकर्स बन गए, सारा मैच जीते। देखो पहला मैच हमने बांग्लादेश को हराया 84 रन से, फिर 201 रन से आयरलैंड को हमने हराया, तीसरा मैच हमने यूनाइटेड स्टेट को 200 प्लस रन से हराया, 214 रन से न्यूजीलैंड को हराया, 132 रनों से नेपाल को हराया, 2 विकेट से हमने साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन फाइनल मुकाबला जो सबसे महत्वपूर्ण था, जहां पर एक्चुअली में हमें जीतना था, जहां पर साख दांव पर थी, जहां पर इतिहास रचने का मौका था, वो इतिहास से रचा गया और 79 रनों से हम हार गए। हमने गिफ्ट दिया बाय द वे, हमने फाइट भी नहीं करी, हमने ये नहीं करा कि यार थोड़ा सा सीना झपटी करे, थोड़ा दम दिखाए, पता कब होता है। जब यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन योर माउथ ना, तब आप में वो जो फाइट करने का जज्बा है ना वो खत्म हो जाता है। तो भाई तो आप फाइनल तक तो पहुंच जाते हो लेकिन फाइनल में जब दूसरी टीम आती है ना उनको पता है कि भाई वी हैव नथिंग टू लूज। अगर हमने इनको हरा दिया तो वी विल क्रिएट हिस्ट्री। धोनी की मूर्तियां बना लो, हमारे यहाँ विराट कोहली की मूर्तियां बना लो, रोहित शर्मा के मतलब दूध चढ़ा लो उनके क्या कहते हैं पोस्टर के ऊपर, यही ड्रामे करते रहो पूरी जिंदगी। अभी भी आई धोनी की याद, एक था जो विकेट के पीछे, अबे तुम्हारे पास प्लेयर नहीं है क्या? और भाई गेम बदल देता था। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल पे फोकस है, आपका वर्ल्ड कप से लेना देना नहीं है। मैं तो ये हैरान हूं अंडर 19 को भी ये बीमारी चढ़ गई, ये एक डिजीज है। ये लड़ो तो सही, अग्रेशन तो दिखाओ, पैशन तो दिखाओ। वो तो मैंने आपको तभी बोल दिया था, 250 मारने के बाद उनकी शक्लों पे जीत लिखी हुई थी। इतना डर के खेलते हो यार तुम लोग फाइनल में आते हो, ये सिर्फ डर के हारे हैं बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया को पता है भाई कितने ढीठ हो चुके हो तुम लोग, कितना एटीट्यूड दिखाते हो, जीतते कुछ हो नहीं।
अरबों खरबों रुपया मिलता है, जो लोग हमें बोलते हैं कि जी जाके खेल के देखो, तो हमारा काम नहीं है भाई, इनका काम है खेल के देखना। पाकिस्तान की टीम भी जब डर के खेलती है ना तो जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, बट जब वो लड़के खेलते ना तब वो जीतते हैं। जब उस दिन उनको 180 पर उन्होंने गेम बना दी ना, तुमने क्या किया? इतनी बड़ी बैटिंग साइड 250 पे क्या किया तुमने, बताओ? वन साइडेड कॉन्टेस्ट। क्यों मेरा फखर जमान फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तान का? बिकॉज उसी ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हराया था। रिस्पेक्ट आती है ना जब आप बड़ी गेम में रन बनाते हो, फाइनल में, सेमीफाइनल में, आज राइवल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब रिस्पेक्ट करो आप राइवल की अपनी। मोहम्मद आमिर की पूरी रिस्पेक्ट है। मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ट्वीट कराया कि पाकिस्तानी अंडर 19 के बच्चे जैसा खेले हैं वो सीनियर टीम से बेटर खेले हैं। बिल्कुल, उनकी इज्जत आंखों में बढ़ गई। 180 पे मैच फंसा दे, एंड तक फाइट करते रहे, 9 विकेट आउट कर दी, मैच थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, जान दिखाई उन्होंने। आपने क्या दिखाया? आपने क्या दिखाया? तमाशा दिखाया आपने, अपना इज्जत का फलूदा कराया आपने, जबकि सबसे तगड़ी साइड आपकी, सबसे ज्यादा बैटिंग आपकी, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास, सबसे मेच्योर प्लेयर्स, ऑलराउंड टीम, बैटिंग भी, बोलिंग भी, स्पिनर भी है, सब कुछ आपके पास है, पेसर भी है। क्या कारण है कि फाइनल में आके तुम्हारी टांगे कांप जाती है भाई? इसका कोई तो इलाज निकाल लो। बीसीसीआई को सलीके से आईसीसी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया जब भी नॉकआउट मुकाबला हो टीम इंडिया का, तो सीधे तौर पे जो है बोल दे कि भैया संडे को जो है मैच नहीं खेलेंगे। ये हमेशा होता रहा है, अब तो एक नई कहानी बनती जा रही है कि जब जब संडे को मैच होता है हम लोगों को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। अब चाहे टीम इंडिया कितना भी बढ़िया जो है लीग स्टेज के मुकाबले में, ग्रुप स्टेज के मुकाबले में खेल ले, सेमीफाइनल भी खेल ले, लेकिन जब फाइनल की बारी आती है और मैच अक्सर जो है फाइनल वाला मैच वो संडे को ही रखा जाता है और हम लोगों का जो है प्रोग्राम एकदम से बेकार चला जाता है। आज भी वही हुआ है भैया, पहले सीनियर टीम 19 नवंबर का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर से वही कहानी रिपीट हुई है। टीम इंडिया जो इनविंसिबल लग रही थी, लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हम लोग पेल देंगे, क्योंकि हमारे बल्लेबाज, हमारे गेंदबाज लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। तो वीडियो चल गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक दफा लाइक शेयर भी कर दे। अल्लाह हाफिज।